गर्म अगर मिल जाए तो साग भात ये ऑर्डर करना चाह रहे हैं मीनू में। साग भात देखिए जी, इनको साग भात दिखाया जाए। साग भात तो ना मिले लेकिन तरकारी भात मिल गई। लेटरी के साग भात है, लेटरी काम करके लेटरी के बड़ी मजा आ रहा है। यही होता है अपना टीम, अपने सब भाई है और अपने आपस में मजाक करते हैं, कोई बुरा नहीं मानता है। हेलो दोस्तों, यस अभी हम सब बैठे हैं देहरादून में ही है, यहाँ पे कुछ अभी रात का टाइम है तो कुछ सोचे खा लें खाना वगैरह, और सब लोग बैठे हैं साथ में। देख लीजिए हमारी पूरी टीम बैठी है, फिलहाल पानी पी रहे हैं। पापड़ आ रहा है और खाना का भी ऑर्डर कर दिया है। और हमारे ब्रजेश जी कुछ कहना चाहते हैं आप सभी से। बहुत तेज भूख लगा है, नहीं दिख रहा है आराम से, भूख बहुत तेज लगा है और हम लोग खाना ऑर्डर कर दिए हैं, खाना आ रहा है। और अब अनुग्रह भैया कुछ बोलिए। गलती हो गया, गाँव से लिट्टी आ गई तो मजा आ गई। और भाई कोई कुछ और क्या बोले, ये रोस्टेड पापड़ की तैयारी है और साथ में जाम है। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चलता है, और फिलहाल हम लोग घूमने के लिए हैं। बाकी कल से चेहरे पे थकान दिख रही है। बाकी वो तो लवर भोंस रहती थी ना, गर्दन आदमी है पिया था। बाकी सुबह से शुरू पूरा एकदम घुमाई चालू। हमने नजदीक है मंसूरी, मंसूरी 20 किलोमीटर, मंसूरी के दूरी बहुत नजदीक, मंसूरी 20 किलोमीटर पे। और कल वहां से फिर देखते हैं अभी कहां कहां जा पाते हैं, कल कहां कहां कल जा सकते हैं। जहां जहां जाएंगे सब आपको वीडियो में मिलता रहेगा, एक एक के बाद एक, एक के बाद एक अपलोडिंग होगा। देख कोशिश करूंगा मैं कि रोज का रोज अपलोड करूं, लेकिन मुश्किल लग रहा है। और ध्यान ये रहे, इधर करिए आप लोग ध्यान ये रखिए कि अगर आप लोग बिहार से आ रहे हैं, बिहार में बिल्कुल गर्मी नहीं था, बिल्कुल गर्मी नहीं था, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सिहरामुन ठंडा बा, गर्मी बहुत ज्यादा बा, जैकेट वैकेट स्वेटर टोपी अपन लेके मफलर लेके आइए। खाना महंगा बा तो ठेकुआ उकुआ लेके आइए, घर से ठेकुआ लीची छनवा के ठीक बा। अभी तक नहीं खोजनी जो गोईठा, लेकिन गोईठा मिला था ना तो लिट्टी बन गए रही पहाड़ पर, एकदम मस्त जगह बा। लेकिन काल पाका बनी लिट्टी चोखा चटनी सलाद दबा के। ना हम अपने में ताला मरले बानी, एगो बंद ना भाई, लेकिन ऑन हो गया जी। जागृति जी हमारा पे काहे कमेंट मार करे जी, हमारा पे काहे दस मिले, हमारा पे काहे केहू खुश हो जाए। बुझा गई ना, भी कुछ खास के ना ना बहुत चार्ज है। हां 50% बहुत चार्ज है। चालू हो गया आपका मोबाइल? हां हां अपने से चालू हो गया। क्या चीज का 50 मोबाइल है दाई, अब तनी मिजाज बनल बा। हां मिजाज बनाइए। हां हमारे के मुझे फोन ही बंद हो जी, सारा लगा के बाहर की आयल बड़ा आदमी रोज के या बिल गिरता, बिल बहुत तगड़ा गिरता। हाँ दिल उफान पबा है ना, पैकेट से रुपया तो हर हर लगता, जब ले बड़ा आदमी तब ले रुपये रुपया कितनी रुपया लाग गए चौक चलता है, तब रुपये की रहता है इतना कुल खा ले मान। देखिए बहन अनुग्रह भैया कि इतनी ज़्यादा लिट्टी के शौकीन बना, कतनो पेट झरा दी, लेकिन लिट्टी की जो जहाँ जी तहाँ लिट्टिए जो लिट्टिए जो लिट्टी ले जो ये में के ना कृपा मजा लगी, पेटू बड़ी तेज झरा था, प्याज बाबा चना का साथ जब प्योर रह लो, आनंद आनंद आ गया, क्या बात है, बहुत मजा। रो खाए ना सिल्वर के ऑफ हो जाओ। अरे रे रे एकदम गर्मी वाला चीज वाला खा ले, साग भात नहीं क्या खेले साग भात। यार हमारे बीच रोहन सिंह है जो बहुत अच्छे से अपने गाला को बहुत बचा के रखते हैं ताकि गर्दन में कुछ ना हो, लेकिन ठंडा पानी पहले मंगाते हैं गर्म अगर मिल जाए तो। साग भात ये ऑर्डर करना चाह रहे हैं मीनू में। साग भात देखिए जी, इनको साग भात दिखाया जाए। साग भात तो ना मिली लेकिन तरकारी भात मिल गई। लेटरी के साग भात है, लेटरी काम करके लेटरी के बड़ी मजा आ रहा है। यही होता है अपना टीम, अपने सब भाई है और अपने आपस में मजाक करते हैं, कोई बुरा नहीं मानता है, सब दिल के अच्छे हैं। जिसको बुरा लगे वो बुरा मान सकता है, बुरा लगे वो बुरा मान सकता है, मान सकता है। किसी को बुरा लग भी गया होगा तो कोई दिक्कत सब ठीक है। हां तो सुबह झाड़ा के साथ निकाल देना साग भात। हेलो क्या हुआ सर? आइए सर। क्या हुआ?
नहीं नहीं क्या हुआ क्या हुआ स्कीम में कहा जाता है। अच्छा स्कीम में सर अच्छा हुआ क्या वही तो बताइए क्या कह रहे थे वो कह रहे थे ये जब हम ऑर्डर दिया इनको बोले कि 15 मिनट लगेगा 15 मिनट बाद आकर भी 15 मिनट ही बता रहे हैं और बोल रहे बन रहा है ये होटल का सर्विस जो है वो अच्छा नहीं है। नहीं ऐसा मत कहिए अभी कुछ खा लेंगे उसके बाद पता चलेगा। हाँ मैं कॉफी पी के ये नेटवर्क बिल्कुल नहीं खिंचा है। नहीं वोडाफोन का नेटवर्क का प्रॉब्लम है बनने में टाइम लग रहा है तो मैं सोचा कॉफी मंगा के तब से पिया जाए। सर बहुत दर्द कर रहा है। क्या बोल रहे नहीं किया था मशरूम दो प्याज है। हाँ हाँ शुरू में अच्छा लगे बहुत बढ़िया मिक्स बढ़िया सब्जी मैंने थोड़ा ओ सर बढ़िया है बढ़िया तो कॉफी इनका बहुत बढ़िया है तो आप लोग एक बार आइए तो इस फिश मछली होटल में आप लोग कॉफी जरूर पीजिए और कॉफी का मछली मछली होटल का नाम है पैसिफिक हिल रेस्टोरेंट में आप लोग जरूर आकर रेसिडेंसी है होटल बहुत ही बढ़िया होटल है ये। चलिए देखने में तो बहुत अरे नहीं हम लोगों को भाई देखो क्या बोलते हैं स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है तो हम प्रचार नहीं कर सकते किसी का कॉफी का प्रचार नहीं कर सकते कॉफी का कर सकते रेस्टोरेंट का नहीं कर सकते कॉफी अच्छा मैंने तो पापड़ भी आ गया है हर पापड़ का टेस्ट बताइए सर। पापड़ बहुत अच्छा है। हाँ कौन कंपनी का ये पापड़ है काका बताए नहीं हमें लग रहा है काका कंपनी का ये पापड़ होगा जाएंगे हम बता दीजिए कि ब्लॉगर है थोड़ा बहुत चलेगा हम लोग अजीत जहाँ चल रहा है यार पापड़ ही आगे पे भुजले बा कौनो कर्म के पापड़ पच्चीस रुपए का ही जला दिया है देखिए ये जला दिया है पूरा समझिए कि क्या हम बताएं आप लोग बिहार के ट्रिप में अगर देहरादून से आपको हमारा ब्लॉग देखना है तो कभी बिहार आइए उसके पापड़ में हम लोग घोरा खिलाएंगे आपको बहुत मजेदार मिलेगा चने का हो रहा मटर का हो रहा है गेहूँ का उमी ये सब खाने का मिलेगा सेहत के लिए कुछ बताएंगे बहुत अच्छे सिंगर बहुत अच्छे कलाकार डुमराव महाराजा के गोदी में पले भले बताइए कुछ पापड़ सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और इसीलिए हम लोग इसको बॉइलिंग नहीं कर रहे हैं सिर्फ रोस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे का राज अब समझ में आया कि क्यों भूजा गया है इसको हम लोग बस रोस्ट करवाए हैं ताकि है तो उसका कोई बेनिफिट हो चाहते तो इसको बॉइलिंग करवा सकते हैं और हम अपना साग भात ढूंढेंगे बताइए जा रहे हैं साग भात अपने ढूंढने के लिए मिल जाएगा ऑर्डर करेंगे आप लोग अपना खा रहे हैं साग भात मेरे में भी सर कटोरा तो हमारा खाना आ गया हम लोगों का शुरू किए हैं ये बल्टी है सर इस बल्टी के बारे में क्या कहना चाहिए बल्टी में दाल बा इतनी बड़ बल्टी बा कि दो चार बल्टी हम दाल पी जाएंगे जब कुछ नहीं है एक्सपीरियंस का इंजन बा साग भात नहीं आया है हम लोग का अभी साग भात आएगा मंसूरी में बोले कि हाँ चना की साग तो हम लोग साग भात साग ना भात नहीं खेता अदौरी भात खा के गुजारा हो जाए ये खाई जाओ का हमें अब खाना पीना हो गया एकदम फिट मिजाज एकदम मस्त हो गया हाँ। बहुत जोर से भूख लगी थी खाना भी एकदम बढ़िया था खाना भी जबरदस्त था एकदम मिजाजी था हाँ। देहरादून का खाना
लाजवाब एकदम मन से खाया गया। अभी कुछ लोग हैं जो चल रहा है अभी थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है तो ज़्यादा देहरादून का खाना और ननद का ताना बहुत कड़क होता है दोनों नहीं सहा जाता है कि दोनों सह लेते हैं। तब भाई इतने देर तक खाने का कुछ वो जैसे कि साग भात खोज रहे थे नहीं मिला, बहुत ट्राई किए तो फिर भी नहीं मिला, तो लास्ट में ही बचा भात तो बदला महर भात मिल गई। सोचे कि वही साग है मार गए वही पानी के, हाँ उसी में लेटो है सब। चलिए ठीक है चलते हैं अब नीचे रूम में अपने अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बेल आइकन के साथ। जय हो, जय जय।